ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तुम लोग स्कूल जा रहे हो, स्टूडेंट्स हो, कोई पढ़ने वाला है, कोई जॉब वाला है, चल रही जिंदगी अच्छी चल रही है, स्कूल वाले स्कूल जा रहे हैं, बस पकड़ रहे, बाइक से जा रहे हैं पापा के, ऑफिस वाले ऑफिस जा रहे हैं। ये क्या है, ये फालतू में सिखा रहा हूँ मैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है? थोड़ा सोचो अपने आप को, आप लोग आपका डेली लाइफ एंजॉय कर रहे हो या जो भी है स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, जिस पर रहते हो, जिस पर लाइफ स्पेंड कर रहे हो, वो ही नहीं रहेगा कल तो फिर क्या फ़ायदा है। आज मैं टॉपिक चालू कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कम ऑन। सबसे पहले बहुत जन को मालूम है ग्लोबल वार्मिंग सुना सब लोग ने, स्कूल के बच्चे लोग ने तो ऐसे वगैरह भी टीचर देती है एग्जाम्स में, ग्लोबल वार्मिंग इतना ही मालूम है कि धरती गर्म हो रही है। क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग पे एडवर्स इफेक्ट्स क्या गिरने वाला है, चीज़ें को पहले समझो, कंसेप्चुअल समझो, थेरेटिकल चाहिए गूगल कर लो मिल जाएगा, वीडियो क्यों देख रहे हो, कंसेप्ट समझने के लिए, कंसेप्ट समझो। मैंने कुछ एक डायग्राम बनाया, मालूम है ज़्यादा अच्छा तो है नहीं बट फिर भी समझने लायक है, ठीक है। देखो, फॉर सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, अपने अर्थ पे इतना तो नॉलेज रहेगा, हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं, ठीक, लैंड सरफेस वी रियली ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर एयर्स की बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो धरती से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक एक पहला लेवल होता है जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक नेक्स्ट लेवल आता है स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद बहुत सारे लेवल जाती है, मियोस्फियर हो गया, आइनोस्फियर हो गया, और बाहर आता है पूरा एक्सोस्फियर, ये पूरा स्पेस है, ठीक है। अभी ये क्या होता है पहले समझो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, अपना धरती है समझो, किसी ने धरती को उबाला, हम लोग जिस पे रह रहे उसको बहुत ज़्यादा उबाला, ठीक है, नुकसान किसको हो गया, जो धरती पे रह रहा है उसको हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ हो रहा है अपने धरती के साथ, धीरे धीरे हो रहा है, बट इसके एडवर्स इफेक्ट तुम लोग को शुरू में नहीं पता चलेगा, आने वाले कुछ सालों में ही पता चलेगा। हाल ही में इसका हम लोग को भनक पता चल रहा है, एंटार्क्टिका का जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है, उसका जो पिघलने का जो मेल्टिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। क्या होगा उससे, हम लोग को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, एंटार्क्टिका तो दूर है, कोई बात नहीं भाई, बर्फ़ पिघलेगा, ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, किनारे पे जो रहते ना मारवे अक्सा जो भी तुम्हारा किनारा है डूब जाएंगे, घर कुछ नहीं आएगा नहीं उधर, धीरे धीरे होता है सारी चीज़ें, तो अभी फर्क नहीं पड़ता तुम लोग को, कोई बात नहीं, समझो चीज़ों को समझो। सन जो होता है सारे प्लैनेट्स को गर्मी देता है, बाहर स्पेस का क्लाइमेट एकदम ठंडा होता है, इतना ठंडा कि जम्मू तो कुछ नहीं है अपना, -4000 -3000 ऐसा माइनस डिग्री में होता है, लेकिन सन का जहाँ पे जिस प्लैनेट पे सन का जो असर गिरता है उतना सा पोर्शन हमारा गर्म रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा मैं मानूँ तो यहाँ पे सन है, तो जितना सन के पास पोर्शन रहेगा उतना डे टाइम होगा, ये साइड जो स्पेस को फेस कर रहा है वो नाइट रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी सन इधर है, अभी मैं इस अर्थ का दो सेक्शन करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ द डे टाइम ऑफ अर्थ, दिस इज़ द नाइट टाइम। अभी यहाँ पे सन से हमारा धरती गर्म हो रहा है, राइट, गर्म हो रहा है, जब भी अपना अर्थ रोटेट होगा, जब नाइट साइड में आएगा ये पोर्शन, जब नाइट साइड में आएगा, दिस इज एन इंडियाज लोकेशन फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग का नाइट पोजीशन में आएगा तभी अर्थ अपना ठंडा हो जाएगा, राइट, बिकॉज सनलाइट नहीं है। बट जो धरती ने अपना जो सनलाइट दिन से सुबह से लेके 12, 3, 4, 5 बजे सनसेट होने तक जो अपना सनलाइट खींचा है, एब्जॉर्ब किया ज़मीन ने, वो बाद में वो रिलीज़ करता है शाम के वक्त में, वो रिलीज़ करता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पानी सब हीट एब्जॉर्ब करता है, पानी गर्म होता है, धरती ज़मीन भी गर्म होती है। जब वो ठंडे जगह पे आ जाती है, जब नाइट का टाइम आता है, तब धरती क्या करती है, अपने हीट को रिलीज़ करती है, रिलीज़ करने पे जो एटमॉस्फियर में जो डस्ट पार्टिकल्स है या क्लाउड्स है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने पे एक अच्छा खासा लेयर बन जाता है। यहाँ पे लोकेशन देख लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लेयर बनेगा, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीचों बीच एक लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, एक चादर बन जाती है धरती के ऊपर जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग तो उसके अंदर है, एक 10 से 15 किलोमीटर ऊपर धरती के ज़मीन से, क्लियर है, ठीक है। 90% ये जो लेयर होती है इसका जो मोटाई होता है 90% स्ट्रेटोस्फियर में होता है और 10% ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, ऐसा ऐसा कुछ लोकेशन है। अभी हो रहा क्या है, ये ओजोन लेयर काम क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन का अर्थ के पास अट्रैक्ट होता है वो अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पे गिर जाता है तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है, समझ में आ रहा है बात को समझो। अगर सपोज 2 मिनट के लिए ये यूवी रेज नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, ये जो भी इंसान खड़ा है ख़त्म एक ही दिन में, एक ही सेकेंड में स्किन कैंसर। अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के ऊपर जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है
उसमें से जो हार्मफुल रेज है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है. दिस ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट्स द हार्मफुल रेज इनटू द स्पेस एंड जो यूजफुल रहता है वही सिर्फ फिल्टर होकर आप कह सकते हो जो हमको मिलता है. फिर भी इतनी गर्मी लगती है, सोचो अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा. ठीक है, इसीलिए ये ओजोन लेयर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. और ये जो है ओजोन लेयर अपना डिप्लीट होते जा रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस है. फॉर एग्जांपल प्राइवेट व्हीकल्स, आजकल देखो इंसानों से ज़्यादा गर्दी तो गाड़ी दिख रही है. ठीक है, लोगों को हर एक को अपना गाड़ी चाहिए. थोड़ा पैसा क्या आ गया भाई, टू व्हीलर ले लो, फोर व्हीलर ले लो, लेना चाहिए, अच्छी बात है, नॉट बैड. एक एक घर में तीन तीन नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है. गाड़ियाँ जो गैसेस रिलीज करती है वो NFCs होती है. NFCs मतलब कार्बन होती है. कार्बन इस लेयर को एक प्रकार से छेद कर देती है, इस लेयर का जो थिकनेस है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हम लोग को अट्रैक्ट कर रही है. और आज जो हम लोग का क्लाइमेट है, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये अगस्त का महीना है और अगस्त में भी इतना धूप है कि अभी मैं क्या बोलूँ. सुबह धूप उतना, रात को बारिश गिरा, दो मिनट गिरते हैं, नाम के लिए फॉर्मेलिटी करके जाते हैं. ठीक है, क्यों हो रहा है सब? पहले तो क्लाइमेट ऐसा नहीं था. पहले मतलब अपने पिताजी के टाइम पे, दादाजी के टाइम पे, उन्होंने कैसे तकरार नहीं किया, उन लोगों का तो डेट भी फिक्स होता कि बारिश इसी दिन पे गिरेगा. आज क्या हो रहा है, ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, सारे कारण के वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की नीड्स बढ़ रहे, लोगों के पास पैसा आ रहा है, गाड़ियाँ ले रहे हैं. ठीक है, ट्री प्लांटेशन पर किसी का ध्यान है नहीं, हर कोई अपने काम में लगा है, बस चलते जाओ. इससे वजह से जो ओजोन लेयर है पहले अफेक्ट बिल्कुल नहीं करती थी, जो बराबर ठीक ठाक चल रही थी, आज क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर में थिकनेस में, जैसे कि ओजोन लेयर ऐसे एक दूसरे से चिपका हुआ है, इस कार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर में ऐसा गैप्स आ जाता है. इफ़ यू कैन सी मी, सच गैप्स आ जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आपको डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं. आगे जाके अगर इसका गैप ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर लिविंग बींग्स आर इम्पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन अर्थ. अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग पे तुम लोग एसेज लिखते हो बहुत सारे, ठीक है, रिसर्च करोगे तुम लोगों को मिल जाएगा. बट द थिंग इज, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए. यूरोप में ऐसे घर बनाए देते, ऐसे छोटे छोटे टेंट्स बनाते थे, उसके अंदर प्लांटेशन, बहुत लंबे लंबे प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन करते थे. ठीक है, छोटे छोटे पौधे प्लांटेशन करते थे और ऊपर ग्रीन चादर डालते थे, जिसको बोलते थे ग्रीन हाउस, नाम सुना रहेगा. ठीक है, ग्रीन हाउस क्या करता है बेटा, जब भी बाहर के सन के अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं इसके अंदर, तो प्लांट्स को लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करते, रिटर्न नहीं जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन्स वगैरह जो हम लोग गाड़ी में से धुआं निकलते हैं वो जाके इस लेयर को ना बहुत ज़्यादा मोटा भी बना देता है, छेद तो करता ही है, बट कभी कभी कार्बन्स की वजह से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, जैसे ये लेयर है ना, इसका थिकनेस बढ़ जाता है. थिकनेस बढ़ जाने से क्या होता है, बाहर का अल्ट्रावायलेट रे अंदर ज़्यादा आता नहीं है, ये ठीक है, लेकिन अंदर का हीट तो भी जाना चाहिए कि नहीं बाहर. फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो थिकनेस है, धरती का अपना थिकनेस है, बहुत पतला होता है, राइट. पतला होने के वजह से जितना यूवीएस, यूजफुल यूवीएस हम लोग को आ जाता है और बाहर का जो हार्मफुल है वो स्पेस में रिटर्न जाता है, राइट. लेकिन ड्यू टू दिस व्हीकल्स हो गया, व्हीकल्स का धुआं हो गया वगैरह, या फिर ट्री का कटिंग हो गया, लोग क्या कर रहे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स बना रहे, ठीक है, प्लांटेशंस को काट रहे, जंगल काट रहे, अपना घर बना रहे, बनाओ, लेकिन इतना जंगल मत काट करो, उसके जगह पे जहाँ पे आप कंक्रीट लगा रहे हो कहीं और पे ट्री प्लांटेशन करो, ताकि अर्थ का जो एटमॉस्फियर है वो मेंटेन रहे. ठीक है, इसके वजह से जो अपना लेयर है, ओजोन लेयर, ये मोटा ना हो ज़्यादा. ये मोटा हो गया तो अंदर गैस तो आएंगे, लेकिन धरती के अंदर का जो गैस है पूरा स्फीयर में, एग्जोस्फीयर में या फिर स्पेस में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया रहेगा. अगर डिटेल वीडियो हम लोग के बहुत सारे आएंगे आगे, मेरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे, इस ग्लोबल वार्मिंग पे हम लोग अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग एक ट्री प्लांट करें 15 अगस्त में और फोटो खींच के मुझे इंस्टा पे भेज दीजिए. मैं खुद एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम करने वाला हूँ, मेरा भी खुद मैं पोस्ट करने वाला हूँ, जिसका जिसका आपका रिप्लाईज आएगा मैं उसका स्टोरी में डालने वाला हूँ. लिंक आपको इंट्रो में मिल जाएगा. दैट्स इट, थैंक यू.